हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ येलो जैकेट्स के सीजन 1 को, जो कि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा शो है। साथ ही इसकी IMDb की रेटिंग की बात करें तो इसे 10/7/9 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटो पे 100% की, यानी कि आपको रेटिंग देखकर ही समझ आ गया होगा ये शो एक फैबुलस है। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो गाइस, ये कहानी है येलो जैकेट नामक एक टीम की, यानी कि ये एक गर्ल्स टीम है जो सॉकर खेलने में काफी अमेजिंग है। लेकिन साथ ही 1996 में इन सभी के साथ प्लेन क्रैश के दौरान कुछ हुआ था, जिस चीज के बारे में ये सभी आज तक यानी कि 2021 तक बातें नहीं करते। तो पहले तो मैं आपको आधी कहानी 2021 की सुनाऊंगी, फिर उसके बाद उन लोगों के साथ 1996 के प्लेन क्रैश में क्या हुआ था उस बारे में बताऊंगी। 2021 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर जिसका नाम जेसिका रॉबर्ट है, वो उन येलो जैकेट के कुछ टीम मेंबर्स के पास जाकर उन लोगों को उस 1996 के हादसे के बारे में पूछती है और उसी दौरान उसकी मुलाकात शोना से होती है, जो उसे यही बताती है कि उस हादसे के दौरान हमारे कुछ दोस्तों की मौत हो गई, साथ ही उन सभी ने उस अननोन लोकेशन पर 19 महीने बिताए हैं, यानी कि 1 साल 7 महीना, जिसके बाद कुछ लोगों आकर उन्हें रेस्क्यू कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि जेसिका उसे ये पूछती है कि आज भी आर्टिकल में एक लड़की के मिसिंग होने के बारे में लिखा हुआ है, जिस बारे में आप में से कोई भी लोग बात नहीं करते। जिस बात को सुनकर शोना थोड़ी भड़क जाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंकती है, जिसके बाद हमें दूसरी कैरेक्टर जिसका नाम नेटली है वो दिखाई जाती है, जो कि अभी एक रिहैब में है। जिसके बाद हमें टेसा नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे स्टेट सेनेटर बनना है और साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश रहती है, जिसमें उसका एक छोटा बेटा भी है। और शोना की बात करें तो शोना का एक हस्बैंड साथ ही उसकी एक बेटी है जिसका नाम केली है, और हम देख सकते हैं कि शोना की अपनी बेटी से नहीं जमती। जिसके बाद हमें एक काफी वियर्ड कैरेक्टर जिसका नाम मिस्टी है वो दिखाई जाती है, जो रिसेंटली अभी एक नर्सिंग का काम करती है और साथ ही लड़के उसे पसंद नहीं करते, जिस कारण वो आज तक सिंगल है। जिसके बाद जब वो रात में वापस अपने घर जाती है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर नेटली से होती है, जो उसके पास जाकर उसे यही कहती है कि हमें ब्लैकमेल करना बंद करो, यानी कि उसे एक पोस्ट लेटर मिला है जिसके पीछे किसी तरह का सिंबल बना हुआ है, जिसे देख मिस्टी उसे यही कहती है कि मुझे भी सेम लेटर मिला है। जिसके बाद वो दोनों एक बार में बैठकर उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, जिस बीच हमें ये पता चलता है कि नेटली वियर्ड के साथ साथ एक काफी अच्छी डिटेक्टिव है, जिसने उस इंसिडेंट के दौरान मौजूद शख्स की सारी डिटेल्स अपने पास रखी है, और उसी डिटेल्स में नेटली को ट्रेविस के बारे में पता चलता है, और उसी बार में नेटली की मुलाकात उसके काफी पुराने दोस्त से होती है जिसका नाम केविन है। लेकिन हम देखते हैं कि नेटली उससे ठीक ठाक बात भी नहीं करती, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा शोना की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका रिलेशनशिप उसके हस्बैंड जेफ के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड उसे चीट कर रहे हैं, और उनका पीछा करते वक्त उसकी मुलाकात एडम नामक शख्स से होती है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से जमने लगती है। फिर बात करें टेसा की तो हम देखते हैं कि उसका बॉन्ड उसके बच्चे के साथ अच्छा नहीं चल रहा, जिस कारण उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप भी खराब होता जा रहा है, और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि टेसी काफी वियर्ड बिहेव करती है। और फिर से आए नेटली पे, तो हम देखते हैं कि नेटली ट्रेविस को ढूंढने के लिए जब निकल रही होती है तो उसकी मुलाकात मिस्टी से होती है, और उसी दौरान उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, जिस कारण उसे मिस्टी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता, लेकिन उसी दौरान उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो दोनों ट्रेविस के घर में बगैर किसी के पूछे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे। जिस बीच नेटली टेसी को ही कॉल लगाती है उन लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो उनकी मदद नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टी के एक फोन कॉल से वो
दोनों उस जेल के बाहर आ जाते हैं और उसी रात हम देख सकते हैं कि नेटली और मिस्टी को ये पता चलता है कि ट्रेविस की मौत हो गई है, जिस चीज से नेटली काफी टूट जाती है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि नेटली और ट्रेविस एक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि नेटली अपने बेस्ट फ्रेंड केविन से साथ मुलाकात कर उसे ट्रेविस की मौत के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल निकालने के लिए कहती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि शोना और एडम जब हॉलोवीन पार्टी में इंजॉय कर रहे होते हैं तो उसी बीच शोना और एडम की मुलाकात केली से होती है और उसकी मॉम को देख केली काफी हैरान हो जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि केली उसे यही कहती है कि आपका और डैड का रिलेशन इसीलिए खराब है क्योंकि आप लोग कभी जैकी के रिलेटेड बात ही नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, जैकी शोना की बेस्ट फ्रेंड है, जिस बात को सुन शोना उसे यही कहती है कि उस प्लेन क्रैश के बाद मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड जैकी को खो दिया। और साथ ही घर जाने के बाद केली अपनी मॉम को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो इन सारी चीजों के बारे में डैड को बता देगी, लेकिन हम देखते हैं कि शोना अपनी बेटी को बड़ी ही आसानी से धमकी देती है और उसे यही कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है। जिस बात को सुन केली अपने डैड को वो सारी बातें नहीं बताती। और टेसी की बात करें तो वो उन्हीं सारी बातों को सोचकर काफी स्ट्रेस में रहने लगी है, जिस कारण उसका घर पर ना ही काम पर ध्यान लगता है, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे उसकी जॉब क्विट करने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा करने के लिए मीडिया को बुलाती तो है लेकिन अपनी जॉब से क्विट नहीं करती। और इन्हीं सब के दौरान हम देखते हैं कि नेटली और मिस्टी को ये पता चला है कि जिस जगह पर ट्रेविस की मौत हुई थी उस जगह पर किसी तरह का रिचुअल किया गया था और साथ ही वहाँ पर काफी सारी कैंडल्स भी रखी गई थी उसी मार्क की तरह, जिस मार्क को हमने उनके उसी ब्लैकमेल वाले लेटर में देखा था। और वो इस बारे में शोना और टेसा को अपने घर बुलाकर बताती है, जिस दौरान उन लोगों को ये पता चलता है कि शोना को किसी भी तरह के ब्लैकमेल्स के लेटर नहीं आए हैं, जिस चीज को हम देख सकते हैं कि मिस्टी भी देख रही होती है, वो भी नेटली के घर में छुपके से हिडन कैमरा रखकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि शोना अपनी बेस्ट फ्रेंड जैकी का बर्थडे मनाने के लिए उसके मॉम डैड के घर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जेफ जैकी के मॉम डैड को यही बताता है कि जैकी और मैं रिलेशनशिप में थे और उसी दौरान मैं और शोना भी डेट कर रहे थे, जिस बात को सुन जैकी की मॉम थोड़ा अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम नेटली को देखते हैं जो अपनी कार बेचने के लिए आई है, क्योंकि उन्हें ब्लैकमेलर ने ये ब्लैकमेल किया है कि उसे 50K चाहिए, अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उन सारी चीजों की डिटेल्स वो मीडिया में लीक कर देगा। और साथ ही नेटली की मुलाकात केविन से भी होती है, जिसे वो अपने घर ले जाती है और वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और बात करें VHS कैरेक्टर मिस्टी के बारे में तो हम देखते हैं कि वो जेसिका रॉबर्ट्स को कॉल कर उससे मिलने के लिए बुलाती है, ये कहकर कि वो सारी डिटेल्स बताने के लिए रेडी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उसे किडनैप कर अपने घर ले आती है क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि वही शख्स है जो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। और साथ ही हम देखते हैं कि नेटली शोना और टेसा मिलकर पेमेंट देने के लिए ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर जाते हैं। साथ ही शोना उस बैग के अंदर एक ट्रैकर रखती है, जिस वजह से वो लोग उसे ट्रैक करने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन नेटली की घाई के दौरान वो ब्लैकमेलर उन लोगों के हाथ से छूट जाता है। और जब शोना घर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एडम से होती है, जो उससे मिलने के लिए आया था। और हम देखते हैं कि वो दोनों शोना के घर पर ही अपनी रात बिताते हैं। और जब शोना की आँख सुबह खुलती है तो वो ये नोटिस करती है कि जेफ घर आ चुका है, जिस कारण वो एडम को कबर्ड में छुपा देती है और उसी कारण वो दोनों पकड़े नहीं जाते। लेकिन इस चीज की खबर शोना की बेटी को लगती है और वो अपनी मॉम को यही कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड काफी अजीब है क्योंकि वो ना ही सोशल मीडिया पे है और ना ही मुझे उसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स मिल रही है, जिस चीज से शोना काफी सोच में आ जाती है और एडम के बारे में खंगालने लगती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडम ने उसे सारी चीजें झूठ बताई थी। जिसके बाद उसके साथ रात बिताने के लिए टेसा आती है और उसे यही बताती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जिस दौरान शोना उसे एडम के और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि शोना इन सारी चीजों से परेशान सीधा एडम से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि एडम उस पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि शोना उसे स्टैब कर देती है, जिस कारण एडम की मौत हो जाती है, जिससे डर कर शोना वापस अपने घर चली जाती है। और हम टेसा को देखते हैं जो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को थोड़े दिन के लिए दूर जाने के लिए कहती है। और बात करें नेटली की तो हम देखते हैं कि उसने केविन के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और हम ये भी देख सकते हैं कि नेटली
गई। ट्रेविस की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी है और वो अपनी एक फ्रेंड से मिलकर उसे यही बताती है कि ट्रेविस जहाँ पर जॉब करता था उसने अपनी अमाउंट किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाई थी, जिस चीज की डिटेल अगर तुम मुझे बता दो तो काफी अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी उसे मना कर देती है, जिस चीज से चिर नेटली उसे ब्लैकमेल करने लगती है। जिसके बाद हम शौना को देखते हैं जो अपने घर आकर अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, तो उसी दौरान उसे ये पता चलता है कि उसकी डायरी और उसकी दोस्तों को ब्लैकमेल और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ही कर रहा था, क्योंकि उसने जिन लोगों से उधार लिया था वो लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे थे और उन्हीं से डर कर उसने ये सारी चीजें की। लेकिन साथ ही उसे शौना और उसके दोस्तों का काला सच पता चल चुका है, जो हमें वहाँ पर पता तो नहीं चलता, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि जेफ को ये पता चला है कि उसकी वाइफ का जिसके साथ रिलेशनशिप था उसने उसे मार दिया है। और उस बात को सुन जेफ काफी घबरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शौना उसे यही कहती है कि हम सब मिलकर ये सारी चीजें संभाल लेंगे। जिसके बाद वो अपनी दोस्तों को कॉल कर यही बताती है कि ये सारी चीजें और कोई नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड कर रहा था, और जब मैं उसे पूछताछ करने के लिए गई तो हाथापाई के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेटली मिश्री को कॉल लगाती है क्योंकि वो इन्हीं सभी कारनामों में काफी अच्छी है। जिसके बाद मिश्री और वो सभी मिलकर एडम की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि मिश्री ने जेसिका को भी छोड़ दिया है क्योंकि उसे जेसिका के रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिला। और साथ ही हम देखते हैं कि वो उसे उसका सिगरेट का बॉक्स देती है, जिसे जाते वक्त जब जेसिका पीती है तो उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम उन्हीं चारों को देखते हैं जो अपनी रीयूनियन पार्टी में जाते हैं और उन्हें आता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग घर जाते हैं तो न्यूज में हम एडम की मिसिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि टेसा स्टेट सेनेटर की पोजीशन जीत गई है। और उसी बीच हम देखते हैं कि टेसा की गर्लफ्रेंड घर लौट चुकी है और वो खून के धब्बों के साथ साथ ये देख सकती है कि टेसा किसी तरह का काला जादू कर रही थी, वो भी उन्हीं के घर के कुत्ते को मारकर। और यहाँ पर इन सभी की प्रेजेंट की कहानी यानी कि 2021 की कहानी खत्म होती है। और अब आए इनके फ्लैशबैक में, यानी कि 1996 में, जहाँ पर इन्होंने कुछ कारनामे किए थे। और 1996 की शुरुआत हमें एक सॉकर मैच से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि येलो जैकेट की टीम स्टेट लेवल पर जीत चुकी है। जिसके बाद वो सभी नेशनल्स की तैयारियां कर रहे हैं। और उसी दौरान हम शौना की बेस्ट फ्रेंड जैकी को भी देख सकते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल ने उन सभी को लीड करने का काम दिया है। और साथ ही वहाँ पर हम और भी कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, जिसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि शौना और जैकी की दोस्ती काफी अच्छी है। लेकिन उसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि जेफ ने जो कहा था वो सच है, यानी कि शौना और जेफ जैकी को धोखा दे रहे थे। जिसके बाद हम सभी को एक प्लेन में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग नेशनल के लिए जा रहे होते हैं और उनके लिए प्लेन का अरेंजमेंट लॉटी के डैड ने करवाया है, जो उसे लेकर काफी कंसर्न रहते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे मिस्टी को कोई पसंद नहीं करता और नेटली की बात करें तो उसकी दोस्ती सिर्फ लड़कों से है और उसे ड्रग्स और दारू में ज्यादा इंटरेस्ट है। और बात करें जैकी और शौना की तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक ही साथ रहना पसंद करते हैं, और साथ ही जैकी को एक प्रिंसेस जैसे उसके माँ बाप ने पाला है। जिस बीच हम टेसा को देख सकते हैं जो उन सभी में काफी बोल्ड है, और साथ ही लॉरा को जिसे क्रिश्चियन गॉड में काफी फेथ है। और हम देखते हैं कि उन लोगों के साथ उनके दो कोचेस जाते हैं, और साथ ही मार्टिनीज कोच की बात करें तो वो अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाते हैं, जिनमें जेवी और ट्रेविस होता है। और दूसरे कोच का नाम हमें बेन स्कॉट बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अचानक से उनकी प्लेन किसी तरह क्रैश हो जाती है, जिस चीज का पता किसी को भी नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उन सभी की आंखें खुलती हैं तो वो सभी अलग अलग लोकेशन पर पड़े होते हैं, और उस प्लेन से सभी लोग निकल आते हैं। जिस बीच वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उनकी एक कोच जिनका नाम बेन है, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उनका पैर पूरी तरह टूट चुका है, जिस चीज में उन सभी की मदद मिस्टी करती है और आकर बेन स्कॉट का पैर काट देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लॉरा को जब उसका लगेज मिलता है, उसी बीच उसकी नजर पेड़ पर जाती है जहाँ पर उन सभी को मार्टिनीज कोच मिलते हैं, जो उस एक्सीडेंट से पहले सभी लोगों की मदद कर रहे थे तो वो उस प्लेन से गिर गए थे, और उनकी लाश उन्हें पेड़ पर मिलती है, जिसे देखकर जेवी और ट्रेविस काफी टूट जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग 3 दिन तक उसी जगह पर रेस्क्यू करने का वेट करते हैं, और साथ ही उस ट्रेवलिंग में जिन लोगों की मौत हुई थी उन लोगों को वो लोग गाड़ देते हैं। जिस चीज से परेशान टेसा ये डिसाइड करती है कि वो लोग यहाँ से रिवर की तरफ बढ़ेंगे। जिसके बाद जब
सभी लोग उसी तरफ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उन लोगों की नज़र एक कैबिन पर पड़ती है, जहां पर जाने के बाद उन लोगों को वहां पर कोई शख्स तो नहीं मिलता, लेकिन रहने के लिए घर मिल जाता है। लेकिन उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और साथ ही उसी घर में उन लोगों को एक गन मिलती है, जिसे उनका कोच बेन नेटली और ट्रेविस को सिखाता है, और वो लोग इसी तरह फॉरेस्ट में जाकर डियर को हंट कर ले आते हैं, जिसे काटने की जिम्मेदारी वो शोना को देते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर जैकी को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो उन सभी के कामों में हाथ नहीं बटाती। और साथ ही हम मिस्टी को देखते हैं जो उसके कोच बेन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है, लेकिन बेन मिस्टी को जरा भी पसंद नहीं करते। और उसी दौरान शोना को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस चीज का पता टेसा को भी लग जाता है, जिसके बाद शोना ये डिसाइड करती है कि वो उस बच्चे को मार देगी। लेकिन हम देखते हैं कि शोना ऐसा करने के लिए जाती तो है, जिसकी मदद करने के लिए टेसा भी पहुंचती है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। और साथ ही शोना ने इस बारे में जैकी को नहीं बताया, क्योंकि वो उससे हर्ट करना नहीं चाहती है। जिस बीच हम ये भी देख सकते हैं कि टेसा को उसका पास्ट याद आता है, यानी कि उसके चाइल्डहुड की मेमोरी, जहाँ पर जब उसकी दादी की डेथ हो रही होती है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा शख्स आईने में दिखाई देता है, जिसकी आंखें नहीं होती। और उसी बीच हम लॉटी को भी देख सकते हैं जो अपना पास्ट याद कर रही है, यानी कि वो भी बचपन की बातें याद कर रही है, और उसे चीजें होने से पहले ही पता चल जाती थी, जिस कारण उसकी फैमिली उसे बीमार मान उसे दवाइयाँ देती रहती। और फिर हम देखते हैं कि जैकी सभी लोगों को मनाकर एक हॉरर गेम खेलती है, यानी कि वो लोग स्पिरिट को बुलाकर उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वो गेम एक डिजास्टर निकलता है, जिस दौरान वहाँ पर एक स्पिरिट आकर लॉटी को अपने कब्जे में कर लेती है, जिस वजह से वो सभी काफी डर जाते हैं। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि नेटली और ट्रेविस एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, साथ ही उन लोगों को खाने के लिए कोई भी चीज नहीं मिल रही, जिस चीज से जैकी काफी नाराज होती है, और वो उन चीज का ब्लेम उन दोनों पर ही डालती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी दौरान वो दोनों एक हिरन ले आते हैं, जिसे काटने के बाद उसमें से सिर्फ कीड़े ही निकलते हैं। और उसी दौरान हम देखते हैं कि लॉटी अपने अजीब से विजन के बारे में आकर लॉरा को बताती है, जो विजन में उसने ये देखा है कि टेसा मिट्टी खा रही है। और उस चीज को सुन लॉरा उसे यही कहती है कि हमें तुम्हारा बैप्टिज्म करना होगा। और जब लॉरा उसका बैप्टिज्म कर रही होती है तो उसी दौरान उसे एक विजन आता है, जिस विजन में वो किसी जगह पर जाकर कैंडल्स जला रही है, और उसे ऐसा लगता है कि वो सारे संदेश उसे गॉड दे रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेसा उन सारी चीजों से परेशान हो चुकी है, और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यही कहती है कि हमें यहाँ से निकल कोई और लोकेशन ढूंढनी चाहिए, जहाँ पर मे भी विलेज होगा। और हम देखते हैं कि उसके साथ जाने के लिए काफी सारे लोग तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस ट्रिप पर निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि रात में जब वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसी बीच टेसा की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम वैन है, उस पर एक वेयरवुल्फ आकर अटैक कर देता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो गई, जिस कारण वो लोग उसे जब जला रहे होते हैं तो टेसा की नजर वैन पर पड़ती है, जो कि जिंदा होती है, और वो उसे उठाकर सभी लोगों के साथ वापस कैबिन जाने का सोचती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ट्रेविस का मूड कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसे भी उन लोगों के साथ जाना था, लेकिन नेटली ने उसे उन लोगों के साथ जाने नहीं दिया, जिस कारण वो नेटली से गुस्सा है। जिस चीज से चिड़ नेटली आकर अपने कोच बेन से बात कर रही होती है, तो उसी बीच हमें ये पता चलता है कि बेन एक गे है, और इसी कारण उसे मिस्टी नहीं पसंद। और साथ ही हम देख सकते हैं कि शोना ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जैकी को बता दिया है, लेकिन शोना ने उसे ये नहीं बताया कि उसका डैड जेफ है। जिस बात को सुन जैकी उसे यही कहती है कि मैं भी वर्जिन मरना नहीं चाहती, जिस वजह से वो नेटली और ट्रेविस के बीच और दरार डाल देती है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि लॉरा आके सभी लोगों को यही कहती है कि उन्होंने यहाँ पर आते वक्त जो प्लेन देखा था, उसको वो स्टार्ट कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिस दौरान जैकी उसकी बात से सहमत होती है और सभी लोगों को शोना की प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है, जिस चीज से शोना काफी चिढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सभी लोग उस प्लेन को स्टार्ट करने में कामयाब होते हैं, तो लॉरा उसमें बैठकर निकलती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती, और आसमान में ही उस हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, जिस दौरान लॉरा की मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग टूट से गए हैं, जिसके बाद वो लोग एक फेयरवेल पार्टी मनाने का सोचते हैं, जिस दौरान उनमें से एक शख्स उन लोगों के लिए वाइन भी बनाती है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि जब सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं,
तो उसी दौरान जैकी ट्रेविस को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके बाद वो उसे लेकर वापस कैबिन की तरफ जाती है और वो दोनों एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें अजीब सा ही फील हो रहा है उस वाइन को पीने के बाद। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से नेटली और बेन निकल गए हैं, जिसके बाद हम मौजूदा सभी लोगों को देखते हैं, जिस बीच लॉटी उन सभी को ये बताती है कि हम सभी अब भूखे नहीं रहेंगे। जो बात उन लोगों को समझ तो नहीं आती, लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी एकजुट होकर जैकी और ट्रेविस के पास चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो लोग ट्रेविस को जैकी से दूर कर ट्रेविस पर हमला कर देते हैं। जो चीज ट्रेविस को पहले तो पसंद आती है, लेकिन जब वो चीज ज्यादा ही ओवर होने लगती है तो उसे आकर नेटली उन लोगों से बचा लेती है। और साथ ही मिस्टी को ये भी पता चला है कि बेन गे है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी सुबह जब सभी लोगों को होश आता है तो उन्हें वो सारी चीजें याद तो होती है, लेकिन वो लोग उस बारे में बातचीत नहीं करते। और जब वो लोग बातचीत करने ही लगते हैं तो उसी बीच उन लोगों के सामने एक बेयर आ जाता है, जिसे देख लॉटी नाइफ ले आती है और वो बेयर लॉटी के सामने झुक जाता है, मानो जैसे वो वहाँ पर उन लोगों की खुराक बनने के लिए ही आया था। और साथ ही हम देखते हैं कि उन सारी चीजों से डरकर ट्रेविस नेटली के साथ इस लोकेशन से दूर चला गया है। और फिर से कैबिन की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उसी बीच जैकी उन लोगों को उन सारी चीजों के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन जब वो लोग उसकी बातों का जवाब नहीं देते तो उस चीज से चिढ़ वो शौना को ये सच बताती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी और उसे ये सच पता है कि पेट में जो बच्चा है वो जेफ का है, यानी कि उसे ये पता चला है कि जेफ और शौना उसे धोखा दे रहे थे। जिस बात को सुन शौना काफी चिढ़ जाती है और वो उसे काफी बुरा भला कहती है, जिस चीज से चिढ़कर जैकी शौना को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन शौना उसे ये कहती है कि प्रॉब्लम तुम्हें है तो तुम जा सकती हो। और उस बात से चिढ़ जैकी सीधा उस कैबिन से बाहर चली जाती है। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि शौना की आँख खुलती है तो बाहर बर्फ देख उसे यही याद आता है कि रात के टाइम जैकी बाहर गई थी। और जैसे ही वो सभी बाहर जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि ठंड के कारण जैकी की मौत हो गई, जिस चीज से हम देख सकते हैं कि शौना काफी टूट जाती है। और उसी बीच हम देखते हैं कि लॉटी मिस्टी और टेंट उस बेयर का हार्ट लेकर किसी टेंट के सामने रख देते हैं, जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि नेटली जब खुद को शूट ही करने वाली होती है तो उसी बीच कुछ शख्स उसे किडनैप कर वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग एक काफी अजीब से कपड़े पहन उसी बर्फीले इलाके में घूम रहे हैं, जिस दौरान उनमें से एक शख्स की मौत हो गई है और मिस्टी उन्हें उस शख्स को काट कर खिला रही है। और यहाँ पर येलो जैकेट का सीजन 1 का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।